हेलो फ्रेंड्स, जहार जी आप लोग कैसे हो। और ये मेरा जो वीडियो है, आप वीडियो देखने के बाद ही जान सकोगे कि ये वीडियो कहाँ का है और क्या है। ये मेरा सडन प्लान हुआ क्योंकि मेरा भाई का कुछ काम है तो उसको लेके मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जल्दी कर, जल्दी कर, ले जा चाबी पकड़, मेरा चाबी पकड़, वहां से गाड़ी लेके आना। गुड कैच ब्रो। यही टाइम पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। देखो वहां पार्किंग के पहुंचने के बाद उसका गाड़ी स्टार्ट हुआ। हाय रे किस्मत, हम लोग लेट हैं। लेट तो नहीं है, मतलब एकदम कट्टू को टाइम में पहुंचे हुए हैं। तो हमको जाके अभी इंक्वायरी में पूछना है। मैं पहले ले लेती हूँ, देख लेती हूँ, इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए। तो फिर भी मतलब ऑन टाइम है हम लोग। लग रहा था शायद हम लोग का ट्रेन छूट जाएगा। ये इसको देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो मेरे नाम पे डाल रहा है कुछ भी। हाँ और भी है 5 मिनट्स, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ यार। बहुत गर्मी है, किस लिए बहुत बहुत गर्मी है। 4 पता नहीं रे, अनाउंसमेंट तो कर देना चाहिए। नहीं किया अनाउंस। हम लेट है रे पगली, ट्रेन लेट आएगा। मतलब पहुंच गए ना ट्रेन में तो चढ़ ही जाएंगे, फाइनली चढ़ जाएंगे, मिस तो नहीं हुआ ना। हम लोग पहुंच चले, ट्रेन लेट है, आ रहा है ना, ये देखो आ गया तू। हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो हम लोग टीटी को वेट किए हुए हैं यहाँ पे खड़े होके, बेचारा। जल्दी आ जाओ टीटी, कहाँ पे हो आप, हमारा टिकट कंफर्म करवा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। अभी दोपहर के बज रहा है 12, हम लोग उठे 11:30 बजे, 12:30 हो रहा है, ठीक है। और हमको और भी 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। इतना नॉइज़ है, ये हमारा सेकेंड डे है, ज़्यादा कुछ वीडियो करने को मन नहीं कर रहा। मैं पहुँचने के बाद ही आप लोग से मिलती हूँ और बात करती हूँ, ठीक है। अभी शाम के 6 बज रहा है, जो कि हमारा टाइमिंग था 5 बजे पहुँचने का, अभी 6 बज रहा है। शायद हम लोग 6:30 तक पहुँच जाएंगे। तो नया जगह, थोड़ा एक्साइटेड भी लग रहा है। जब हम पहुँचेंगे तब बता ही दूंगी फाइनली कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अब जो जो मैं बताते जा रही हूँ, जो भी दिखाते जा रही हूँ, अब उसको एंजॉय करो। वाइट 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 थीम में। अच्छा ये स्टेशन है, बहुत खूबसूरत था वाइट कलर का। पांच के लेट्स गो। कहाँ से जाना है?
एग्जिट किधर है? लेट्स कम। चलो इंक्वायरी कहाँ पे है, थोड़ा इंक्वायरी में पूछ लेते। वेलकम टू हैदराबाद। यहाँ के रोड कितने क्लीन और कितने खाली खाली टाइप है, भुवनेश्वर में ऐसा नहीं मिलेगा और कोलकाता दिल्ली में तो कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं। सीरियसली गाइस, मैं तो फैन हो गई हैदराबाद की, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ्रीली चल पा रही हूँ। भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक, ये सब चला नहीं जाता। एक्चुअली वी आर ब्लॉगर्स, सो इतना जरूरत नहीं रहता जो फोटो इतना क्या नहीं, बस हम लोग कहीं 212 हमारा भी ले लीजिए। नहीं नहीं डर नहीं, ये यूट्यूब के लिए है। आप तो देखते होंगे यूट्यूब तो देखते होंगे, मतलब ब्लॉग या फिर कुछ भी। हाँ डालेंगे। हम लोग का चेक इन हो गया, अभी चेक इन चल रहा है, भैया हमारा करवा दिए। लकी अस की हम लोग को रूम्स, मतलब अभी खाली हुआ था, अभी तुरंत हम लोग को मिल गया। तो मैं आपको ये एड्रेस भी बता दूंगी कि जब भी आप विजिट करो तो इधर आओ, भाई से मिलो, वो अच्छा भी, यहाँ पे अच्छा सर्विस भी हुआ है। तो आने से कभी बताना आप, ठीक है? चलो अभी हम लोग को चेक इन करना है, चेक इन। इतना घंटों बाद हमको अभी फ्रेश होने को मिल। पहले फ्रेश हो जाते हैं। भाई टॉवल अच्छी, टॉवल नहीं दबा। हम लोग रेडी हो चुके हैं, लाड साहब रेडी हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। खाए नहीं है, बहुत दिनों से खाना नहीं खाए, तो अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अच्छा चाबी बंद कर इसको। और हमने अपना गाड़ी भी बुला लिया है, ओला, तो नीचे वेट कर रहे हैं हम लोग जाके। हम लोग अभी हैदराबाद घूम के निकल गए हैं, हम लोग भी थोड़ा देख। हैदराबाद आओ, बिरयानी मत खाओ।
ऐसा तो कभी हो सकता है। खाएंगे, जरूर खाएंगे, तो भर भर के खाएंगे। फिलहाल बहुत जोर से भूख लग रहा है, अभी खा के बात करते हैं। क्या हुआ, ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज सुबह से कुछ ठीक से खाई नहीं ना, तो एक ही बार में सब। ठीक है, चलो खा लेते हैं। दी, पूछना बोल गया था, कैसा लगा? जबरदस्त, बोलते हैं ना हैदराबाद का बिरयानी जबरदस्त। बड़े हो गया नहीं? ठीक है, खा ले, भूख लग रहा था ना। हाँ, नेक्स्ट क्या ऑर्डर किया है? मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। ओके, दिन भर का खाना नहीं हुआ था ना, अभी एक बार में कोटा पूरा कर कल भी निकलना है ना, तो भूखा नहीं रहना है। क्या हुई, गेट के पास क्यों खड़ा है? भाई थकला, क्या हुआ? तेरा तो पूरा नक्शा बदल गया रे। बोल ना रे, क्या हुआ तेरे को? गाड़ी चल नहीं रहा। थोड़ा दम लगा के बोल। भूख लगा है मुझे, भूख लगा है। पानी पी, हैव सम वाटर। गाड़ी नहीं जा रहा है तो कुछ कर, कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा। ये मार, धक्का मार। देख स्पीड बढ़ा रहे, देख गाड़ी का स्पीड बढ़ा, देख और धक्का मार, और थोड़ा धक्का मार। देख देख बड़ा 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 बड़ा, देख स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। धक्का मारा रे, वाह। गुड मॉर्निंग, फाइनली हम लोग पहुंच गए भुवनेश्वर। अरे तू क्यों चिल्ला रहा है, मैं पागल हो गया है, जर्नी करके पागल हो गया और मुझे भी पागल कर दिया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए सुबह के 6:30 बजे, मतलब हालांकि जर्नी सही था लेकिन बहुत तकलीफ हो गया था। मैं प्लेटफॉर्म से निकल के आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं अभी अपने जोन में आ चुकी हूँ, मतलब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। बहुत ही हेक्टिक था, हैदराबाद हम गए थे तो हेक्टिक जितना भी था, प्रॉब्लम्स जितने भी थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद, हैदराबाद उतरने के बाद, वो सब टेंशन ख़त्म हो ही गए। और आपने तो देखा भी मेरे वीडियो में, मैं कैसे ट्रैवल कर रही थी कैसे भी। तो हम लोग हैदराबाद डेकान में उतरे, फिर वहाँ पे हमने चेक इन भी किया, आपको मैंने दिखाया था, वही आसपास में ही, वो मतलब नामपली बोलते हैं, वो स्टेशन के पास का जो एरिया है वो नामपली है। आप वहाँ पे कहीं पर भी चेक इन कर सकते हैं, अराउंड आपको 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं रूम्स, ठीक है। और नॉन एसी तो और भी कम हो जाते हैं, हम लोग तो एसी लिया था क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आप नामपली एरिया में कहीं पर भी चेक इन कर सकते हैं, वैसे तो हमारा ओयो है ना, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और रहा ज़्यादा, मैं कुछ कवर नहीं कर पाई, मेरा भाई का एडमिशन था, काम था, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा था उसके साथ, वो भी सडन प्लान था, हमने कुछ प्लान किए भी नहीं थे, तो ज़्यादा कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो मैं लेके आ गई, जो कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत ईजी है, आप चाहो तो अकेले भी गुड़ी मार के आ सकते हो, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। और वैसे तो गूगल मैप है ही, कोई टेंशन होने वाली है नहीं। आजकल के बच्चे और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, वो तो आपको पता ही होगा। तो आप जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा भाई का जो था इंस्टीट्यूट था वो कुंजा गुट्टा, क्योंकि वहाँ के जो सब नाम है ना, वो प्रनाउंस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिस की, कुंजा ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं बस उतना तक ही घूम पाई,
हम लोग ने वहाँ पे ओला कैब किया था, और आप जा भी सकते हो, ऑटो ऑटो है वहाँ पे, सिटी बसेस है, आप वहाँ पे कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मैंने जितना भी देखा। और हम लोग रात में भी घूम रहे थे, पैदल घूम रहे थे। और हैदराबाद जाओ, हैदराबाद का बिरयानी नहीं खाओ तो भाई आपने कुछ भी नहीं किया। वहाँ के फूड तो बहुत ही ऑसम थे। और हम लोग जब वापस आ रहे थे तो तब हम लोग वहाँ ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, लेकिन वहाँ एक छोटा सा एक स्टॉल था, वहाँ पे हम लोग नाश्ता किया सुबह, इडली, ऑसम था दोस्त, ऑसम था। तो हमने थोड़ा बहुत करके जितना भी हुआ, टू डेज़ भी नहीं, एक ही दिन हम लोग को मिला था। हम लोग नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग, हम लोग का 8 बजे ट्रेन था तो हम लोग ट्रेन पकड़ के आ गए। तो इतना ही हम लोग का जर्नी था। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी मेरा प्लान है, क्योंकि भाई तो वहाँ रहने वाला है, मैं जाके उसको सरप्राइज़ देती रहूँगी। तो तब मैं अच्छे से एक एक एरिया अच्छे से मैं आपको शूट करके, वीडियो करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो मेरा उतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक शेयर करिए मेरे चैनल को, और आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। और आपको ज़्यादा और भी कुछ ज़्यादा जानना हो मेरे बारे में, या फिर मेरे साथ बातचीत करना हो, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेरा सेम ही आईडी है, मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही आईडी है, सुनीता हांसदा सिंपल, उसी में आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आज के लिए उतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आती हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तब तक अभी मैं टाटा बाय करती हूँ आपको। टाटा बाय, टेक केयर।